किसी भी बिजनेस में या किसी भी वर्क में लर्निंग जो है काफी इम्पोर्टेंट। कोई भी बिजनेस बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा अगर आप कर रहे हैं, या आप बिजनेस कहीं कर रहे हैं, या खुद का बिजनेस हो या आप कहीं वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपको उस चीज़ के बारे में समझना जो है बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जितेटिज में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये ऑल इन वन तीन डाई वाली मशीन है, जिसमें फुल्ली ऑटोमेटिक भी आप तीन डाई चला सकते हैं और मैनुअल भी आप तीन डाई चला सकते हैं, लेकिन यही है कि छोटा छोटा डाई जो है तीन चल सकता है, बड़ा वाला डाई इसमें ओनली फोर एक ही चलेगा। अक्सर आप लोग ऑल इन वन मशीन बहुत प्रकार के देखे होंगे, लेकिन ये मशीन जो है तीन डाई फुल्ली ऑटोमेटिक चलती है आप ये नहीं देखे होंगे, जो कि ये काफ़ी बेस्ट मशीन है। अभी जो है मैं इसमें जो है इस प्रकार का, इसको रिंकल कटोरी बोलते हैं, अक्सर इसका उपयोग जो है आप देखिएगा चाउमीन प्लेट में किया जाता है या बर्गर जो खाते हैं आप लोग उसमें इसका उपयोग ज़्यादातर होता है। तो ये इस प्रकार का कटोरी आता है और ये जो है रोल से नहीं बनता है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये रोल से क्यों नहीं बनता है। रोल से ये इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इसमें कोर नहीं है, ये सर्कल पेपर से बनता है और सर्कल पेपर जो है इस प्रकार का आता है, इस प्रकार का सर्कल पेपर आता है। इसको जो है हम काउंटिंग करके एक बार में 20 पीस 10 पीस मतलब जिस हिसाब से हमको पैकेट बनाना है उस हिसाब से हम इसमें मशीन में ये रिंकल डाई लगा हुआ है। इसमें मैनुअल काम, अभी मैं इसको ऑपरेट भी करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये ऑटो चलती है और किस प्रकार से ये मैनुअल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। सबसे पहले मैं इसका ऑपरेटिंग बताता हूँ कि इसको आप ऑपरेट किस प्रकार से कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्विच है, ये स्विच अभी सेमी है और ये बंद मोड पे है, ना तो ये ऑटोमेटिक है और ना ही ये सेमी है। ये दोनों जो दिया हुआ है ये हीटिंग का दिया हुआ है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं इसमें डाई लगा हुआ है और डाई में ये हीटर लगा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये जो है ये हीटिंग का स्विच है, कितना हमको हीट करना है। हीटिंग के बारे में मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसके बारे में समझ सकते हैं। तो फिलहाल क्या करना है कि इसमें मैं आपको समझा दूँ, तो ये अगर हमको ऑटोमेटिक चलाना है तो यहाँ ऑटो मोड पे करके इसको प्रेस कर देंगे तो मशीन ऑटो हो जाएगा, लेकिन अभी तो ऑटो हमको चलाना नहीं है क्योंकि हम लोग जो है अभी सर्कल से जो है ये कटोरी तैयार कर रहे हैं जो कि बर्गर में या चाउमीन प्लेट में यूज होता है। अक्सर ये जो है पटना हाजीपुर तरफ इसका उपयोग होता है, मुजफ्फरपुर दरभंगा सीतामढ़ी तरफ तो कोर आइटम चलता है, लेकिन वहाँ हाजीपुर की तरफ रिंकल आइटम ही चलता है जो कि सर्कल से निकाला जाता है और सर्कल मटेरियल भी यहाँ अवेलेबल रहता है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। तो फिलहाल हम इसको सेमी ऑटोमेटिक करते हैं, इसको सेमी मोड पर ले जाते हैं। ये आपका सेमी मोड पर हो गया, ये आपका ऑफ हुआ और ये आपका डाउन हुआ। तो आप देख सकते हैं ये हम अभी इसको अप करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये अप ऊपर आ गया, ये डाउन का है तो इसको हम डाउन करेंगे तो ये देखिए ये डाई नीचे आ गया। अब इसमें सर्कल रख के बनाने का प्रोसेस कैसे है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या है कि ये डाई नीचे है तो डाई को हम अप के बटन दर के अप कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। फाइनली हम अभी जो है 24 और 25 का पैकेट बना रहे हैं तो इसीलिए हम इसमें काउंटिंग करेंगे, 12 पीस एक बार में बनाएंगे। अरे
ये 12 पीस जो है ये मैंने काउंट करके यहाँ से इसको इस प्रकार से डाल देना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, ये डाउन है, ये अप ये डाउन, हम इसको डाउन करेंगे और डाउन करके छोड़ देंगे उसमें लगभग 10 सेकेंड तक छोड़ा जाता है। अभी ये हीटिंग पूरा नहीं है, अभी अभी मैंने इसमें करेंट दिया है, हीटिंग होने में लगभग 10 मिनट का जो है समय लगता है। फिर मैं दूसरा अभी काउंट करता हूँ, ये 12 मैंने फिर से काउंट कर लिया हूँ, तो जो 12 पीस काउंट होगा दोबारा से पहले अप करेंगे इसको, अप करने के बाद जो है इसको हम निकाल लेंगे। आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें 12 जो है कटोरी मैं बना लिया हूँ इसमें, और दोबारा से मैं इसमें 12 पीस डाल दूँगा। दोबारा से मैंने इसमें 12 पीस डाल दिए, मतलब यही प्रोसेस है, वहाँ 12 पीस आप डाल दीजिए फिर आप काउंट कीजिए, तब तक वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो आप जैसे आपको 20 का पैकिंग करना है तो 10 पीस गिन के डालिए, आपको 30 का पैकिंग करना है तो एक बार में 15 पीस डालिए, आपको 15 का पैकिंग करना है तो एक बार में 8 डालिए एक बार में सर। इससे होगा क्या कि हम ये 12 बनाए हैं और ये फिर दोबारा इसको हम 12 निकालेंगे, इसको अप करके दोबारा से ये 12 पीस बन के तैयार है, तो 12 ये 24 हो गया। और इसको इस प्रकार का मैं इसमें देख सकते हैं आप, पैकेट बना के मैं रखा हुआ है, और इसको आप दिया मोमबत्ती से पैकिंग कर सकते हैं अथवा आप अपने हीटर से ही, आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मैं हीटर से ही इसको पैक कर लेता हूँ, देखिए ये हीटर से जो है ये पैकिंग आपका हो गया। तो इसमें दिया से भी पैकिंग कर सकते हैं, हीटिंग से भी पैकिंग कर सकते हैं। अब मैं अगली प्रोसेस बताता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो दोना था, अगर आपको थाली बनानी है रिंकल में तो आप इसी तरह से, ये रिंकल का जो भी प्रोडक्ट है कोई भी मशीन वाला अगर बोल रहा है वो ऑटोमेटिक बनेगा तो ये संभव नहीं है। हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन पे ये जब बनेगा तो मैनुअल प्रोसेस से भी बनेगा। और सर्कल कटर मशीन और सीट कटर मशीन इसी रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए जो है बनाया गया है और बनाया जाता है। अब ये था रिंकल का प्रोसेस, और मैं बता दूं कि जो लोग कहते हैं इसमें बचत नहीं है तो ऐसा नहीं है, मेहनत आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइएगा, मार्केटिंग आप सही से कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो बचत होगा ही। एक केजी में ये लगभग 700 पीस आता है। मैं अगला वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को तौल को दिखाऊंगा, मैं 600 पीस ही लेकर के चलता हूँ, और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए। 25 पीस का पैकिंग मैं इसको खुदरा में सेल करता हूँ, दुकानदार को नहीं जो है सबसे कम बनाता हूँ और खुदरा में ज़्यादा सेल करता हूँ, मतलब गोलगप्पे वाले के यहाँ और ये बर्गर वाले के यहाँ, तो आसानी से ये 6 रुपया में सेल हो जाता है। और 1 केजी पे बचत जो है लगभग इसमें 80 से 85 रुपया आ जाता है 1 केजी सर्कल में। वही थाली की बात करें तो थाली में इतना मार्जिन नहीं है, मैं यही सबसे ज़्यादा अगर मार्जिन है तो ये जितना छोटा आप बनाइएगा पेपर प्लेट बिजनेस में, जितना छोटा आइटम बनाइएगा उतना ज़्यादा मार्जिन आएगा, और जितना बड़ा आइटम बनाइएगा उतना कम मार्जिन आएगा। तो ये है इस बिजनेस की सच्चाई। और अगर इसमें आप डाई लगा हुआ देख पा रहे हैं, ये जो है ये 5 इंच कटोरी का डाई है, ये कोर आइटम है। तो कोर आइटम जो भी है इस ऑल इन वन मशीन में आप रोल से बना सकते हैं, जो कि पीछे रोल लगा हुआ है, पीछे देख पा रहे हैं आप रोल लगा हुआ है। अगर रोल से आप बनाइएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से ऑटो मोड पे करके यहाँ से प्रेस करके ऑटो जो है रोल आएगा और रोल से बन जाएगा, चाहे वो 4 इंच से लेके 16 इंच तक कोई डाई हो। रिंकल आइटम बनाना है तो रिंकल का यही प्रोसेस है, और बफर आइटम आपको बनाना है तो बफर आइटम का भी यही प्रोसेस है कि उसमें इस तरह का सीट आता है, आप सीट यहाँ डालिए और यहाँ से जैसे ये डाउन किए तो डाउन आएगा, अप किए तो अप आएगा, और जो है बफर का सीट कटिंग करके आप बफर प्लेट मैकिंग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का आपका रिक्वायरमेंट होगा वो आप इस मशीन से बना सकते हैं।
दोस्तों इस मशीन के फीचर के बारे में मैं बता दूं आपको, तो इसमें 2 HP का आपको मोटर कैपेसिटी मिल जाता है जो कि काफ़ी, और 40 लीटर का जो टैंकी कैपेसिटी मिल जाता है, 2 HP का इसमें जो है पैनल कैपेसिटी मिल जाता है, और काफ़ी आसानी है इसको ऑपरेटिंग करना। आप चाहे तो इसमें मैंने सेमी ऑटोमेटिक का भी सिस्टम बताया है और फुल्ली ऑटोमेटिक का भी सिस्टम। इसमें आप स्लीपर कटिंग कर सकते हैं, स्क्रबर पैकिंग कर सकते हैं। ऑल इन वन के बारे में मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा जो है वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नए व्यूअर है, अगर हमारे नए व्यूअर्स है, तो वो मेरे चैनल पे विजिट करके जो है सारा जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो जानकारी मैं दिया हूँ, ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।